सतयुग के श्रवण कुमार की कहानी आपने कई बार सुनी होगी। एक ऐसा बेटा जो अपने माता पिता को तीर्थ दर्शन कराने के लिए उन्हें अपने कांधे पर तीर्थों की ओर ले जाता है। कलयुग में भी कुछ बेटे ऐसे हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों और माता पिता को तीर्थ दर्शन के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार रहते हैं। इन्हीं में से एक हैं अशोक कुमार, जो इन दिनों सड़क पर अपनी दादी की व्हीलचेयर को खींचते हुए उन्हें बागेश्वर धाम की ओर ले जा रहे हैं। अशोक खंगार टीकमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बछोड़ा के रहने वाले हैं। वे अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपनी दादी के साथ बागेश्वर धाम की पदयात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा इसलिए अनूठी है क्योंकि अशोक के साथ उनकी दादी व्हीलचेयर पर चल रही हैं और इस व्हीलचेयर को पूरा परिवार खिसकाते हुए बागेश्वर धाम की तरफ बढ़ रहा है। अशोक ने बताया कि बागेश्वर धाम की इस अनूठी यात्रा के पीछे क्या मकसद है और कहां से इसकी प्रेरणा लगी थी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजा अशोक खंगार। हम जिला टीकमगढ़ से आए हुए हैं, ग्राम हमारा बछौड़ा है और बागेश्वर धाम ले जा रहे हैं हम। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, गुरुदेव महाराज की जय। क्या मन्नत थी, क्यों ले जा रहे हो? हमारी मन्नत ये थी कि एक माह पहले इनकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के उपरांत अस्पताल ले जा रहे थे तो हमने सोचा, जब दिमाग में आया कि अब कोई उपाय नहीं है तो बालाजी महाराज का हमने नाम लिया बागेश्वर धाम का। हमने बागेश्वर धाम, यदि बालाजी हमारी दादी ठीक हो जाएंगी तो हम इन्हें चेयर पर बिठा कर पैदल यात्रा जाकर और हम बागेश्वर धाम के दर्शन कराएंगे। कितने किलोमीटर की यात्रा है? हमारी यात्रा अभी लमसम 120 के लमसम हो चुकी है। अब आगे चल के जो भी हो किलोमीटर का हमको पता नहीं है। कब निकली थी आप अपने घर से? हमको 4 दिन हो गए। कौन कौन है साथ में? हमारी दादी जी हैं, हमारी पत्नी है, हमारा बेटा भी है। इनकी कोई बीमारी का पता नहीं चला। कोई बता रहा था कि इनको ब्लड प्रेशर हाई होता है, कोई बता रहा था चक्कर है आता है इनके लिए, कोई अनेक बीमारियाँ बताई थी। लेकिन जब से हमने बागेश्वर धाम का नाम लिया, जब से कोई बीमारी का पता ही नहीं है। कोई बीमारी नहीं, डॉक्टर बताता कि आप कोई बीमारी नहीं है। अपने पोते के इन विचारों और इन भावों के साथ दादी जमुना भाई भी हर्षोल्लासित हैं। वे मानती हैं कि उनके बेटे ने ऐसा काम किया है जिससे वो श्रवण कुमार की तरह प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे कुछ दिनों पहले बीमार थी लेकिन इस यात्रा के साथ अब वे स्वस्थ हो रही हैं। जी, क्या नाम है? जमुना भाई। कहाँ पे जा रही हो? बागेश्वर धाम जा रहे हैं। हमारा बेटा नाती ले जा रहा है, राम कुमार है, सरमन कुमार ले जा रहे हैं हमारा नाती। अब हम बोल ले काय पे ले जा रहा है? गड़ली पे। गड़ली पे ले जा रहे तुम्हें काय? हमारी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हमारा नाती ने कह दिया कि हम पैदल ले जाएंगे अपनी दादी को और एक बार हम लेके जाएंगे, पैदल यात्रा कराएंगे। कितने दिन से चल रही साइकिल? हम 4 दिन से चल रहे हैं। छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम से टीकमगढ़ जिले के ग्राम बछौड़ा की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है और इस दूरी को ये परिवार पैदल पैदल पांव से ही नाप रहा है। ये परिवार शनिवार को छतरपुर जिला मुख्यालय पर पहुंचा, जहां इस परिवार को देखकर कई लोग आकर्षित हुए और उन्होंने अशोक की सराहना की।